अस्सलाम वालेकुम के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं आशाम इस हफ़्ते की मार्केट को देखें तो एज़ एक्सपेक्टेड क्योंकि मार्केट हमारी इतनी ऊपर जा चुकी थी तो मार्केट ने रेंज बाउंड टू पॉजिटिव मोमेंटम अपना बरकरार रखा और इसकी मेन वजह तो यही बनी कि इवन दो फॉरेनर्स की तरफ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही थी लेकिन साथ साथ जिन्होंने लोअर लेवल्स के ऊपर अपनी पोजीशंस बाय करके रखी हुई थी उन्होंने पोजीशंस लिक्विडेट की एंड उसकी वजह से ही मार्केट के अंदर एटलीस्ट थ्री डेज तक हमने ये देखा कि मार्केट स्लाइटली नेगेटिव भी रही है मार्केट ने इस हफ्ते कीमुलेटिवली तकरीबन 1100 पॉइंट्स तक गेन किए और अभी करंटली 73,000 इंडेक्स के अबव ट्रेल कर रहे है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 72,800 का है जिससे वो स्लाइटली ऊपर है ऊपर की क्लोजिंग दी है और इसकी जो रिजिस्टेंस है वो सेवेंटी की है न्यू साइड पे देखें तो लास्ट वीक जैसे हमने देखा कि स्टेट बैंक ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अनाउंसमेंट की जिसमें इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा गया उसी का इम्पैक्ट कंटिन्यूएशन में इस हफ्ते को भी देखने को मिला स्पेशली इन द सेक्लिकल सेक्टर जिसमें सीमेंट स्टील्स और ऑटोज़ ने अच्छी इंप्रोवमेंट शो की इसके अलावा सी के नंबर्स भी आए थे जो तकरीबन थ्री से स्लाइटली अबव कम हुए थे और इसका यही इंडिकेशन आगे जाने वाले वक्तों में बनता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सब्सिक्वेंटली ड्रॉप होगा जिसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि सेक्निकल इसके एंटिसिपेशन में चल रहे थे उनके अंदर फ़र्दर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है आई के हवाले से बात की जाए तो पी में इसकी भी एक एंटिसपेशन बनी हुई है क्योंकि आई से जो नेक्स्ट पाकिस्तान ने बात करनी है वो तकरीबन सेवन टू एट बिलियन डॉलर्स तक की है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और इसकी वजह से एक अच्छा बूस्ट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है इवन दो इस पर कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं आई है लेकिन इसके कुछ इफेक्ट्स मार्केट के अंदर देखना शुरू हो गया स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं वो अपने टू ईयर हाई पे रीच हो चुके हैं और जो पी के आर है वो भी यू एस जी के अगेंस्ट काफ़ी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर रहा है लास्टली मार्केट में एक और पॉजिटिव न्यूज़ हमें ये देखने को मिली कि जो एक्सपेक्टेड सऊदी इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम शो कर रही थी और सऊदी इन्वेस्टमेंट खैर वेरियस सेक्टर्स के अंदर एक्सपेक्टेड है स्पेशली जो उनकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो माइनिंग सेक्टर के अंदर है माइनिंग के हवाले से देखें तो जैसे हमने सुना था कि रिकोड एक प्रोजेक्ट है जिसमें पी पी एल एंड ओ जी डी सी का एक सब्सटैशियल शेयर है इन शेयर्स के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है क्योंकि एक्सपेक्टेड यही है कि पी पी एल एंड ओ जी डी सी के जो शेयर्स हैं वो सऊदी बाई करेंगे जिनकी वजह से इन इन कंपनीज़ को एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए बात की जाए तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट स्टिल पॉजिटिव ही लग रहा है इवन दो जैसे मैंने बताया मार्केट अपने हाई लेवल्स पे है और जिनको पोजिशन क्लियर करनी होती है प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है उसकी वजह से मार्केट एक स्लाइट डाउन ट्रेंड रखती है लेकिन लॉन्ग टर्म में गोइंग फॉरवर्ड और न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव मार्केट के अंदर मौजूद है फंडामेंटली स्पीकिंग मार्केट काफ़ी अच्छी लग रही है गोइंग फॉरवर्ड रिकमेंडेड यही है कि फ़र्टिलाइजर्स में सेक्लिकल्स जैसे सीमेंट स्टील्स एंड ऑटोज़ एंड ई सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स काम देखें इस हफ्ते के लिए इतना ही थैंक यू